नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज माननीय महेंद्र पाल सिंह धानगढ़ जी के नेतृत्व में चल रहे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 23वां दिन है। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हम सभी निवेशकों का पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण सभी पल्स पीड़ित साथी परेशान हैं। तो साथियों, आज पीएसएल के एक पीड़ित ने, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने आप सभी निवेशकों को कुछ जरूरी बातें बताई है। तो चलिए साथियों, जानते हैं क्या है वो जरूरी बातें। और साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, देखते हैं यह वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि पीएसएल और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। जितेंद्र सिंह चौहान शामली से। आप सभी आगंतुक धरने पर सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम वर्तमान सरकार को कोसते हुए, उसकी सरकार की नीतियों को कोसते हुए और हमारी मातृशक्ति जो आज भूख हड़ताल पर बैठी है, जिनकी सुध लेने के लिए आज सरकार का कोई भी मंत्री नहीं आया है, संतरी नहीं आया है, कोई नहीं आ रहा है, तो इन सबको कोसते हुए और इनको नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, बात कहावतों पर आ जाती है। बचपन में कहीं पढ़ा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर ख्वाजा, वही आज है। दूसरी चीज, एक हमारे मिनिस्टर साहब हुआ करते थे केपी सिंह जी, और वो कहा करते थे कि चौहान साहब अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं। इस देश की हालत यह है, अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं। पहले घरों में चक्की होती थी ना हाथ की, माता अंधी जब अनाज पीसती थी तो कुत्ते खाया करते थे। आज वही स्थिति आम आदमी की है। आम आदमी अंधी माता के रूप में, मैं उसको बता रहा हूं, वो कमा रहा है और हमारे मिठंडे कुत्ते नेता ये खा रहे हैं। वही दूसरी बात, नेताओं की अगर हम बात करें, नेता आज नहीं है, नेता कभी हुआ करते थे। वो नेता हुआ करते थे जिन्हें अपनी प्रजा की चिंता हुआ करती थी, अपने मतदाताओं की चिंता हुआ करती थी, इनके दुख दर्द की चिंता हुआ करती थी, और अगर किसी को दर्द होता था तो रात दिन 24 घंटे उनके साथ खड़े हुआ करते थे। आज जो हमारे बीच जितने नेता हैं, वो सब वो नेता हैं जो खादर में रहते थे। खादर समझते, खादर खादर बिहार, बिहार में कौन लोग रहते थे? चोर लुटेरे डकैत, वो छुपते थे। आज वो खद्दर पहन के सब संसद में बैठे हुए हैं, वहां पर भी उन्होंने लूटने का काम किया और आज यहां पर भी लूटने का ही काम कर रहे हैं। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं इस बात को कि शासक कभी भी वेतनभोगी नहीं होता। अगर कोई वेतनभोगी है तो उसे 8 घंटे की ड्यूटी करनी अनिवार्य होती है, लेकिन इन लुटेरों ने एक मत होकर के अपनी तनख्वाह 1,20,000 रुपए तक कर ली। यह किसकी जेब में जा रहा है, किसका पैसा जा रहा है? हमारा आपका तो जा रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं, सरकार की नीति चोर नीति है, चोरों को लाइसेंस दे रही है, और जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये नेता उसके साथ बंदर बांट करके उस कंपनी को बंद कर देते हैं। और हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वे लोग बेचारे दर दर पिटते फिरते हैं। आज हमने अपना उम्मीद खो दिया है, हम पहचान तो नहीं, हम हैं कौन, हमारा क्या वजूद है? दोस्तों, अगर इनसे लड़ना है तो निश्चित रूप से मैं बताऊं, इस देश के अंदर किसी एनजीओ की कोई ताकत नहीं है, ना कोई से कोई पानी देता, पानी देने वाला उसका कोई अहमियत नहीं मानता। हमें अगर अपनी लड़ाई को लड़ना है तो इनका जवाब इनके तरीके से ही देना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं कहूंगा,
कि हमारे जितने संघर्षशील साथी हैं मिलकर के एक राजनीतिक पार्टी बनाए और राजनीति के रूप में ही हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे और तब जाकर के इन लोगों से पैसा लेंगे। रही दूसरी बात, आज हमारे बीच हमारे देश का सर्वोच्च प्रथम स्तंभ माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उसका क्या वजूद रह गया है सोचो जरा आप। अरे सर्वोच्च न्यायालय तो हमारी वो चीज है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय एक चीज को कह दे तो वो फाइनल हो जाता है, लेकिन इन चोर लुटेरे उचक्कों की सरकार ने उसके आदेश को भी दरकिनार किया हुआ है। अन्यथा 2000 फरवरी 2016 से आज तक आपका सारा भुगतान हो गया। ये इलेक्शन आते हैं, हम लोगों को भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, और मैं उन्हीं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि वो अपनी बेटियों को इनके हाथों में बंद के यहां पर आते हैं, बताइए जरा मुझे। चाहे अडवाणी जी के ले लो, सुब्रमण्यम स्वामी जी के ले लो, सबकी बेटी उन्हीं के यहां है, विजय राजे सिंह जी फारूक अब्दुल्ला के यहां है, फारूक अब्दुल्ला जी के यहां है, क्यों भाई ये हिंदू मुस्लिम हमारा आपके लिए है क्या? साथियों हमें सोचना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, अपने साथियों को साथ लेना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जो साथी संघर्ष कर रहे हैं महेंद्र पाल जी जैसे हमारे महान पुरुष जिनको बार बार नमन करने का मन करता है उनका साथ दें। और आने वाली 25 तारीख को एक वो ऐलान हम यहां से करें कि करो या मरो, या जेल भरो या इनको मारो। हम एक चीज कह चुके हैं और कर रहे हैं, अब तक हमने रेल रोकी, धरने दिए, प्रदर्शन किए, बहुत कुछ कर लिया, अब हमारे पास क्या रास्ता बचा है? एक रास्ता बचा था जो आंदोलन के रूप में भूख हड़ताल का रास्ता बचा था। अरे दोस्तों क्या इस देश में हमारा कोई वजूद नहीं है जो हमारी कोई सुध लेने के लिए 20-22 दिन से कोई नहीं आया यहां पे? अरे हमसे तो वो रोहिंग्या लोग अच्छे हैं, कम से कम उनकी चर्चा तो हो रही है, हमारी तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, तो हम क्या हैं? हम अपने वजूद को इस सरकार के सभी नेताओं को बता दें कि हमारा वजूद क्या है। और वो वजूद हम कैसे बता सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अपनी पार्टी बनाएं और अपना उम्मीदवार खड़ा करें, और जितने हम पल्स पिए, जितनी कंपनी के पीड़ित लोग हैं, जितने निवेशक हैं, सब एक मत होकर के अपने व्यक्ति को वोट दें और फिर इन्हें हिला दें और अपनी सरकार बना लें। जब अपनी सरकार होगी तो हमारे हाथ में हर पावर होगी। कहते हैं कि राजनीति हर ताले की चाबी होती है, सत्य है ये, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज है जिससे हर ताले की चाबी, हर समस्या का हल निकल आता है। हमें साफ सुथरी राजनीति करनी है, हमें राजनीति में पीड़ित भाइयों का साथ देना है, निवेशकों का साथ देना है, निवेशकों का पैसा वापस कराना है। अगला कदम मैं चाहूंगा कि हम सब मिलके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में एक बार फिर हम लोग जाएं। मेरा अपना मानना है, फैसला उनका था। कई लोग साथी कहते हैं कि अगर 2019 के बाद बीजेपी की सरकार बनी या ना बनी तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि
निवेशकों का, जैसे मेरे पूर्व साथी बता रहे थे कि 2 फरवरी 2016 को एक फैसला आया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश श्री आर एम लोढ़ा जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन करके सेबी को यह आदेश दिया कि कंपनी की तमाम प्रॉपर्टी को सेल किए करें और निवेशकों का पैसा वापस लौटाएं। तो उस पक्ष में हमारी जीत है। कहां जीत है? पहली जीत हमारी यह है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ खड़ा है, सत्य वचन। दूसरी बात, उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं गई है। अगर कोई अपील हो गई होती तो शायद फैसला पलट सकता था, वो भी नहीं हुआ है। तो जीत हम जीतेंगे, लड़ेंगे, झुकेंगे। और जितने साथी मेरे यहां बैठे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन यह है कि जहां जहां से भी वो आए हैं, अपने संचार माध्यम से, जहां से भी वो जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी बुला सकते हैं, वो 25 तारीख को दिल्ली के अंदर बुलाइए और यहां दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में केवल और केवल पीड़ित व्यक्ति ही नजर आना चाहिए, चाहे उसके लिए हाईवे जाम हो, चोपला जाम हो, थाना जाम हो या संसद जाम हो। सहमत नहीं हो? क्यों नहीं? हम बड़ी पूरी तादाद में यहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां उपस्थित होंगे और सरकार को अपनी मौजूदगी का एहसास कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिट फंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।